नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए रात के समय अच्छी और गहरी नींद सोना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम शरीर और मन से इतना थके हुए होते हैं कि हम रात को ठीक से सो नहीं पाते। तो आज एक छोटी सी प्रैक्टिस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आपको रात को बिस्तर में लेटकर अभ्यास करना है। बहुत ही ईजी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आइए आज ही अभी इसी वक्त मेरे साथ प्रैक्टिस करके देखें। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आप कितना रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। तो आराम से लेट जाएं, उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें। अब जैसा जैसा करने को कहा जाए वैसा वैसा करते जाएं। अब अपनी भवों को, आईब्रोज को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, पूरा ऊपर की तरफ खींच दें और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। ढीला छोड़ दें अपनी भवों को। अब अपनी आंखों को तेजी से मीच लें, बहुत तेजी से बंद करें, एकदम टाइट होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। ढीला छोड़ दें अपनी आंखों को। अब अपने जॉज की तरफ ध्यान लाएं, दोनों जबड़ों को आपस में मिला लें और तेजी से भींच लें, जितना तेजी से आप भींच सकते हैं। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब अपने चेहरे पर स्माइल लाएं, एकदम ब्रॉड स्माइल, दोनों होठों को बंद करके, और जैसे हम मुस्कुराते हैं पूरी चौड़ी मुस्कुराहट रखें अपने चेहरे पर और होल्ड करें इस एक्सप्रेशन को। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। ये सारे अभ्यास आप लेटे लेटे करेंगे। अब अपने कंधों को ऊपर की तरफ खींचें, कानों की तरफ लाएं अपने शोल्डर्स को और होल्ड करें, पूरा ऊपर खींचें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। ढीला छोड़ दें अपने कंधों को। अब अपने हाथों की मुट्ठियों को तेजी से बंद करें, दोनों हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बंद कर लें, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। ढीला छोड़ दें हाथों को। अब अपने पैरों के पंजों की तरफ ध्यान ले जाएं, पैरों के पंजों को बिल्कुल बाहर की तरफ खींचें, एकदम तेजी से खींचें खींचें खींचें, पूरा बाहर खींच दीजिए पैरों के पंजों को। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। ढीला छोड़ दें पैरों को। इतना करते करते आप महसूस करें पूरे शरीर में आए रिलैक्सेशन को। अब एक लास्ट चीज़ और करनी है। ये जो सब कुछ हमने किया ये पूरा एक साथ करेंगे, यानी आप अपनी भवों को ऊपर की तरफ तान दें, आंखों को भींच लें, जबड़े कस लें, मुट्ठियाँ कस लें, पैरों के पंजों को नीचे की तरफ खींच लें, यानी पूरे शरीर को एकदम टाइट 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 बिल्कुल टाइट कर लें। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। ढीला छोड़ दें पूरे शरीर को और महसूस करें पूरे शरीर में आए आराम को। तो ये अभ्यास करते करते आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि पूरे शरीर में गहरा आराम आ रहा है। अब हम मन को शांत करने के लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, और ये ब्रीदिंग इतनी रिलैक्सिंग है कि आप 10 सांसें भी पूरी नहीं ले पाएंगे, उससे पहले आपको नींद आ जाएगी।
आप पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को मोड़ लें, घुटनों से पैरों को फोल्ड कर लें इस तरह से कि आपके जो सोल हैं, पैरों के तलवे, वो बिस्तर को छू रहे हों। एकदम आरामदायक स्थिति में आ जाएं, अपने आप को कंफर्टेबल कर लें। अपने हाथों को शरीर के दोनों साइड में या जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से अपने हाथों को रखेंगे, यानी अब आपको बिल्कुल सोने की पोजिशन में आ जाना है। और अब आपको बैली ब्रीदिंग करनी है, यानी जब आप सांस भरेंगे तो पेट पूरा बाहर आएगा, जब आप सांस छोड़ें तो पेट को अंदर जाते हुए देखें। लंबी गहरी सांसें लें एकदम रिलैक्सिंग मैनर में। ऐसा महसूस करें कि हर सांस के साथ मैं शांत हो रहा हूं। मुझे नींद आ रही है। मेरा मन एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। इस तरह के थॉट्स करते हुए जब आप कंफर्टेबली ब्रीद करेंगे, बैली ब्रीदिंग करेंगे, तो 8-10 सांसों के अंदर अंदर आपको बहुत गहरी नींद आ जाएगी। क्योंकि बैली ब्रीदिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आपके ब्रेन को ये मैसेज देती है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलैक्स फील करते हैं, आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगते हैं और फील गुड हार्मोन बढ़ने लगते हैं। तो आज ही ये अभ्यास करके देखें। और आज तो आप मुझे कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको नींद आ जाएगी, कल सुबह जब आप उठें तो मुझे कमेंट करके बताएं कि इस प्रैक्टिस से आपको कितना फ़ायदा मिला। करके देखें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।